जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि झालरापाटन में 6 वर्ष के बालक के साथ अश्लील हरकत करने वाले ट्यूशन टीचर यश सोनी को पुलिस ने बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार शाम को एक ट्यूशन टीचर द्वारा 6 वर्ष के बालक के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया था। 6 वर्षीय बालक जब ट्यूशन पढ़कर घर आया तो उसने अपने पिता को बताया कि टीचर यश सोनी द्वारा उसको मोबाइल पर अश्लील पिक्चर दिखाई और गलत हरकत की बच्चों ने ये सारी आपबीती पिता को सुनाई। इस पर पिता ने झालरापाटन थाने पहुंचकर अश्लील हरकत करने वाले टीचर यश सोनी के खिलाफ रिपोर्ट पेश की, जिस पर कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी हंसराज मीणा ने बताया कि बच्चों के पिता ने एक रिपोर्ट दी थी, उसका बच्चा शहर में यश सोनी के यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जाता था। 26 जनवरी को वो ट्यूशन पढ़ने गया था। जब बच्चा ट्यूशन से आया तो उसने पिता को सारी बात बताई। पिता के रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त से अनुसंधान जारी है। हंसराज, एक शिक्षक द्वारा नाबालिग के साथ का मामला सामना है, क्या मामला? एक बालक जो है शिक्षक के पास जो ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो उसने जो है बालक को मोबाइल में जो अश्लील वीडियो दिखाया और अश्लील हरकत की बालक के साथ। इसने क्या किया? जिससे जो है पॉक्सो का मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।